हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अब्दुल एडु केयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सातवीं कक्षा का मराठी का सेकेंड पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है श्यामचे बंधु प्रेम। तो चलिए ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट के कवि है साने गुरुजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकून गेलो। अभी देखो फ्रेंड्स, हमारा जो समर वेकेशन आता है वो मई में खत्म हो जाता है। तो इधर ऐसा बोला गया है कि जो मई महीने की जो छुट्टी थी वो समर वेकेशन वो खत्म हो गया है, वापस मैं दापोलीस चला गया हूँ सीखने के लिए। तो इससे ही हमें मालूम पड़ता है कि ये जो शाम है वो इधर नहीं पड़ता, दापोलीस में पड़ता है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है। शाळा सुरू झाली, पावसाळी सुरू झाली, झाला पावसाळा ही सुरू झाला। मतलब जो हम लोग की स्कूल थी वो भी शुरू हो गई, और जो बारिश भी रहती है, जो मंथ रेन चालू होती है ना बारिश, वो भी चालू हो गई। जैसे हमारा देखो जून में स्कूल खुलता है, जून 15 जून 12 कभी भी, तो जून में ही खुलता है। तो जून में ही बारिश भी स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। तो बताया गया है कि जो मई की छुट्टी थी वो खत्म हो गई है और जून लग गया है, और वो जो शाम है वो दापोलीस वापस चला गया है पढ़ने के लिए। वो छुट्टियों में अपने मम्मी के घर पे आता था। फ्रेंड्स, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। एक्चुअली ये लेसन ऐसा स्टार्ट हुआ है कि मालूम नहीं पड़ेगा कुछ, तो मैं बता देता हूँ कि ये बात हुई इधर शाम की। और शाम क्या है मीन्स, अभी देखो पहले जमाने में जो गांव रहते थे वो एकदम छोटे छोटे गांव रहते थे, और जो बड़े बड़े गांव भी रहते थे, और जो एकदम अनडेवलप गांव थे, छोटे छोटे गांव थे, गरीब लोग जहाँ रहते थे उधर स्कूल हुआ नहीं करते थे। जहाँ बड़े बड़े गांव थे सिटी टाइप, उधर स्कूल हुआ करते थे। अगर अभी बच्चों को पढ़ना है, जो छोटे गांव के बच्चे उधर पढ़ना है, तो उन लोग को दूसरे सिटी पर उधर अच्छी सिटी पर जाना पड़ता था जहाँ स्कूल थे, उधर वो एरिया में जाना पड़ता था। तो जो शाम है वो एकदम छोटे गांव में रहता था, सिंपल गांव में रहता था फ्रेंड्स। तो अभी शाम को क्या है, अभी उधर जाना पड़ता था जहां स्कूल है, क्योंकि शाम के गांव में स्कूल नहीं है। इधर ऐसा स्टार्ट नहीं करके बताया गया, ये जो कवि मीन्स ये जो पार्ट है उधर स्टार्टिंग में ऐसा स्टार्ट नहीं बताया, पर ये ऐसा ही है। आगे आपको मालूम पड़ेगा, पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं पूरा पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ आपको, ताकि मालूम पड़े। ऐसा स्टार्ट दिया गया अलग, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शाम है वो अपने गांव में नहीं पढ़ता है, तो दूसरे जो गांव है उधर पढ़ता था, जो दूसरी जो सिटी शाम के गांव में स्कूल अवेलेबल नहीं था, इसके लिए छुट्टियों में वो घर आता था, और जब वापस स्कूल खुलता था वो दापोलीस चला जाता था। दापोलीस एक सिटी का नाम है जहां उधर स्कूल हुआ करता था और शाम उधर पढ़ता था। और शाम मीन्स शाम किसी के रिश्तेदार, मीन्स रिश्तेदार नहीं, किसी के भी घर में ऐसा पहले जमाने में जो अमीर लोग रहते थे वो जो गरीब के बच्चों को ऐसे रख लेते थे घर में पढ़ने के लिए, क्योंकि कई कई स्कूल अवेलेबल नहीं रहते थे, इसके लिए उनके घर पे उनके जो मम्मी पापा रहते थे पैसे दे के उनको चले जाते थे, हॉस्टल जैसा ही वैसा उधर रहता था। अभी शाम के साथ भी वैसा ही है, शाम भी एकदम विलेज से है और उसे स्कूल नहीं है उसके विलेज में, तो उसे दूसरी जगह जाना पड़ता था फ्रेंड्स, ऐसा बताया गया। तो शाम भी दापोलीस जाता था पढ़ने के लिए, छुट्टियों में घर पे आता था वापस जाता था, और जब हमारे स्कूल मीन्स जून में स्कूल खुल जाते थे, स्कूल जून में जाता था, और जब भी बारिश स्टार्ट हो जाती थी ऐसा बताया गया। तब तो जमीनाला मेघ संतूव लागले, मतलब अभी देखो अभी पूरा मई जाता है, तो जून मीन्स अप्रैल जाता है, मई जाता है, तो ये समर वेकेशन रहता है। समर वेकेशन में क्या रहता है, धूप। तो धूप से जो हमारी पृथ्वी रहती है वो जमीन जो रहती है वो कैसी हो जाती है, एकदम गर्म। और जैसे ही पहला पानी पड़ता है, पहला वाला जो पानी रहता है जून का, उधर एकदम शांत होता है जमीन को, ऐसा बताया गया। तप्त ले लिया जमीनी वर पानी पड़े वो कसा सुंदर वास सुटते, मतलब अभी जून में जब फर्स्ट टाइम रेनिंग होती है तो एकदम सब वास एकदम सुंदर वास आती है, मतलब एकदम सुंदर स्मेल आती है फ्रेंड्स, ऐसा बताए।
नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा माटीचा एक समय सुंदर वास सुटत असतो। जब नया नया पानी पड़ता है जून के अंदर तभी एकदम माटी का एकदम अच्छी स्मेल आती है। गंधवती पृथ्वी या वनाची त्या वेळेस आठवण होतो, एकदम पृथ्वी कैसी हो जाती, एकदम सुगंधीदार हो जाती है ऐसा बताया गया है। फला फळांत जो रस तो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीचा पोटाला, मतलब जो फळ जो मीन्स अभी फ्रूट्स है जो फ्लावर्स है उनके अंदर जो रस रहता है उनके जो सुगंध रहती है वो ऐसा बताया गया है कि ये जो हमारी पृथ्वी है उसके पेट के अंदर पोटा मतलब पेट के अंदर वो सारा जमा हुआ है और वो हमारी पृथ्वी हमें दे रही है। वो पृथ्वी के पेट के अंदर इतना अच्छा सब है, जमीन है, फल फूल के जो रस है वो भी उसके अंदर है, ऐसा एक प्रकार से स्वाद अस्तो ऐसा बताया गया है फ्रेंड्स। अब सेकेंड पैराग्राफ करते हैं। घरून दापोलीस येताना या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होता। अभी राम बोल रहा है, राम का मतलब जब घर वो दापोलीस घर जब दापोलीस से वो घर आ रहा था ना तब घरून दापोलीस येताना जब दापोलीस से जब वो घर आ रहा था वेड़स मतलब वो समय पर समय वेड़स मतलब समय को बोलते हैं। जब दापोलीस से वो घर को आ रहा था तो उसने एक निश्चय किया था, निश्चय मतलब डिसाइड करना, उसने सोच लिया था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ तो डिसाइड किया था ऐसा बोला, एक निश्चय करूं आलो कुछ एक निश्चय करके आया था। अभी देखते हैं वो निश्चय उसने क्या किया था, वो बताया नहीं गया कि उसने क्या निश्चय किया था क्या डिसाइड किया था पर आगे आपको मालूम पड़ेगा, पर कुछ निश्चय किया था ऐसा बताया गया। सुट्टीत घरी असताना एक दिवसी लहान भाऊ नवीन सदर्यांसाठी हट्ट धरून बसला होता। जब उसकी छुट्टी होती है कभी भी छुट्टी के टाइम वो घर आता है ना, घर आया था एक बार तो उसका जो छोटा भाई है लहान भाऊ मतलब जो उसका छोटा भाई है, उसको दो भाई थे एक शाम था और एक वो छोटा भाई, तो जो छोटा भाई था वो सदर्यांसाठी मतलब वो धोती वो सब होता है ना पहनने का कुर्ता उसको सदर बोलते हैं मराठी में। हट्ट मतलब जीत करना, हट्ट धरून बसना मतलब जीत करना, तो उसका जो छोटा भाई था वो कुर्ते के लिए जीत कर रहा था, धोती कुर्ते के लिए जीत कर रहा था बहुत जब वो घर पे आया था। क्या वेड़ त्याची समझून घालतान ने आई मनाली तुझे अण्णा दादा मोटे होतील रोजगारी होतील मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवून शिवतील। मतलब उसकी मम्मी ने क्या बोला कि वो जब रो रहा था हट्ट धरून बसा मतलब जीत कर रहा था कोर्ट के लिए, तो उसकी मम्मी ने बोला उसकी समझ ही, उसकी मम्मी ने तो पहले सोचा अरे हाँ बेटा भी ठीक बोल रहा है छोटे बच्चे की बात, तो उसका समझ के उसकी मम्मी ने बोला अभी जीत मत कर तू, तेरे जो अन्ना दादा मतलब उसका जो बड़ा भाई, अन्ना दादा मतलब बड़ा भाई, जो तेरा बड़ा भाई है श्याम है नाम उसका ऐसा बताया नहीं गया तो बता रहे थे, तो उसके जो बड़ा भाई है वो बड़ा होगा और बड़ा होगा और उसको काम लगेगा रोजगारी मतलब नौकरी मिलेगी उसको, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद तुझे नया जो सदरा है वो सिला के देगा, वो नया कुर्ता जो भी है वो तुझे सिला के देगा। अट्टा नको हट्टा धरू अभी जिद मत कर ऐसा उसकी मम्मी ने बोला। मित्रांनो माझा लहानपणी कपड्यांचे बंड फार मजले नव्हते, मतलब मित्रांनो अभी ये कौन बोल रहे हैं हमको, हमारे कवि बोल रहे हैं, कवि का नाम क्या साने गुरुजी, तो साने गुरुजी हमें क्या बोल रहे हैं मित्रांनो मतलब दोस्तों हमारे जो जमाने पर हमारा जो जमाना था पहले का उधर इतना कपड़ों का फैशन नहीं होता था, कभी कभी जब त्योहार आते थे ना तभी कपड़े यूज करते थे, अभी जैसे हमारा फैशन आ गया कुछ सलमान खान ने वो कपड़े पहन लिए हम लोग पहन लेंगे वैसा नहीं होता था, जब का फैशन वैसा नहीं, कभी कभी फेस्टिवल्स पर ही त्योहार पे ही लोग कपड़े लिया करते थे, अभी ऐसा फैशन नहीं होता था, बंड फार माजले नहोते मतलब इतना फैशन नहीं होता था कपड़ों का ऐसा बता रहे हैं हमारे कवि बोल रहे हैं साने गुरुजी। तो अभी आम्हाला कोट माहितच नव्हता, कोट क्या है उन लोग को वो भी नहीं मालूम था ऐसा बता रहे हैं, खाली उन लोग धोती और कुर्ता पहनते थे बस। क्रिकेट दा
सदराशी वर्षा वर्षा दोन वर्षी वर्षनी नवीन मिडव्याचा, मतलब उनको जो सदरा जो थे, जो सदरा वो कभी कभी अक्सर, मतलब ऐसे हर साल नहीं मिलता था, वर्ष दोन वर्षानी, मतलब एक साल के बाद, दो तीन साल के बाद मिलता था, ऐसा बोला गया। फेस्टिवल्स भी उनको ज्यादा फैशन नहीं था, कभी कभी मिलता था, कभी कभी दो तीन वर्ष के बाद ही मिलता था, दो तीन साल के बाद, दो तीन इयर्स के बाद ही मिलता था उनको नवीन कपड़ा, मतलब नवीन कपड़े। ठंडीच्या दिवशी धोतर चौकड़ी करून घड्याशी बांधून शाळेत जायची। अभी देखो, अभी हम लोग को अभी देखो, अभी मीन्स अभी ठंडी लगती है, विंटर सीजन आ जाता है, तो हम लोग क्या अभी स्वेटर मंगाते हैं ना, अभी स्वेटर वैसा वो जमाने में नहीं होता था। क्या होता था, जो धोती रहती थी ना, धोतर, मतलब इधर धोतर का मतलब धोती है, ठंडी के दिन धोतर मतलब धोती को ऐसे चार कोनी जो रहता है वैसे घड़ी करते थे, घड़ी मतलब उसको फोल्ड करते थे अच्छी तरीके से, चार बार फोल्ड कर बांध के मतलब स्कूल को जाते थे। अभी हम लोग स्वेटर से जाते हैं, तो उन लोग वैसे जमाने में स्वेटर नहीं मिलता था उन लोग को, उन लोग जो है धोती को फोल्ड करते थे और जाते थे स्कूल को, साढ़े जावे मतलब उस साढ़े को स्कूल को जाते थे। मफलर नहवते, जैकेट नहवते, गरम कोट नहवते, उनके पास मफलर भी नहीं होता था, जैकेट भी नहीं होती थी, गरम कोट यानी कि स्वेटर वो भी नहीं होता था। तो फ्रेंड्स चलिए तीसरा पैराग्राफ कर लेते हैं। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता, मतलब जो शाम है उसका छोटे भाई का जो सदरा जो कुर्ता जो भी है वो फट गया था, ऐसा बोल रहा है शाम। आईने त्याला दोन तीन गाबड्या लावला होता। अभी फ्रेंड्स गाबड़ा, गाबड़ा का मीनिंग आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। गाबड़ा मतलब देखो, अभी हम लोग जो पहनते हैं शर्ट ऐसा होता है, और देखो शर्ट हमें पहनते हैं वैसा हो जाता है, ऐसा जो हमारा जो पहनते हैं शर्ट कुछ इस तरह से होता है। अब ये शर्ट जो है वो कहीं कहीं से बीच में जो फट जाता है तो ऐसे स्क्वायर शेप में जो एक कपड़ा रहता है, कपड़ा कपड़े को कतर के उसके ऊपर सील देते हैं, दो तीन कपड़े को कतर कर उसके ऊपर लगा देते हैं, उसे गाबड़िया बोलते हैं। फ्रेंड्स कपड़ा जो हमारा अभी बीच में से फट जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना ऐसे कपड़ा लगा के सिल दो से, तो उसे गाबड़िया बोलते हैं। तो उसकी जो आई थी शाम की, उसकी मां उसके जो भाई के जो कुर्ते को जो दो तीन छोटे छोटे कपड़े लगा के सिल दी थी, उतना फट गया था उसका कपड़ा। आपल्या भावास नवीन कपड़ा शिवून न्याव्याचा असे मी ठरवून आलो होता। देखो अभी हम लोग पढ़े थे, देखो सेकंड पैराग्राफ में जब घर से आ रहा था उसने कुछ निश्चय किया था, अब भी मालूम पड़ गया क्या निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था कि अपने भाई को कपड़ा शिवन द्याव्याचा, उसके भाई को कपड़े शी के देने के लिए, मीन्स उसके भाई को कपड़ा जो है कपड़े शिवन द्याव्याचे मतलब सीके देने के लिए उसने निश्चय किया था कि मैं सीके दूंगा मेरे भाई को, किसी भी हालत में उसका कपड़ा जो है बहुत फट गया है, ऐसा उसने डिसाइड किया था। अभी मालूम पड़ गया ना आपको कि क्या डिसाइड किया था उसने, हाँ ठरवून मतलब डिसाइड करना ही। परंतु पैसे कुठून आणव्याचे, पर अभी एक क्वेश्चन आ गया, अभी एक समस्या आ गई, अभी मैं सी के तो दूंगा, अभी मेरे को नौकरी वोकरी नहीं है तो पैसा किधर से आएगा, वो उसके मन में क्वेश्चन निर्माण हुआ। फोर्थ पैराग्राफ देख लेते हैं। श्याम चे वडील कोर्ट कचेरी चा कामास दापोलीस येत। अभी इससे मालूम पड़ता है श्याम के जो पप्पा है, वडील मतलब पप्पा, जो फादर उसको वडील बोलते हैं मराठी में, तो श्याम के जो पप्पा है वो वकील थे और वो कोर्ट कचेरी के काम के लिए दापोलीस आते थे। वडील दापोलीस आले म्हणजे अन्ने मला खावला म्हणून द्यायचा जायचे।
मतलब इसका मतलब जब भी उसके पापा आते थे कोर्ट कचहरी के काम के लिए, तो जब भी वो उधर रहता था ना अभी शाम, तो उसको क्या करते थे, अन्न दो अन्न, मतलब पैसा दो पैसा। अभी वो जमाने में एक रुपया तो बहुत था, इधर एक पैसा और दो पैसा देकर उसे चल जाते थे। उसके जो पापा उसे एक पैसा और दो पैसा देके जाते थे, क्यों देके जाते थे, खाने के लिए देके जाते थे। खाया चा पैशांतील एक पैसा ही खाऊं मैं भी न खर्च करना चे या करनिया ची मी ठरवले, मतलब उसके जो पापा उसको खाने के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया था। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली, मतलब जो ज्येष्ठात का जो महीना है उधर उसकी जो स्कूल है वो शुरू हो गई। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते, मतलब अभी गणपति जो गणेश चतुर्थी है उसके लिए कितने महीने थे, 3 महीने थे, सिर्फ 3 महीने बाकी थे। तेवढ्या महिन्यांनी या खाऊच्या पैशांचा भर रुपया भर जमला असता, मतलब गणेश चतुर्थी तक उसका जो अभी उसके जो पापा देके जाते थे वो पूरा 1 रुपया जम जाएगा, ऐसा वो सोच रहा। गणेश चतुर्थी भागते आवाज कोर्ट की वह सदरा शिवन न्यावाचा, मतलब वो पैसे से वो गणेश चतुर्थी के टाइम उसकी जो ढाकत्या मतलब छोटा, लहान का भी मतलब वही, ढाकत्या का मतलब भी वही, समानार्थी में शब्द ये आएगा। अगर लहान दिया जाएगा ढाकता लिखना, ढाकता दिया जाएगा तो लहान लिखना। तो उसकी जो छोटे भाई को वो मीन्स कोट कीवा सदरा, कोट या तो सदरा सीखे देगा, कीवा मतलब और या तो कोट या तो सदरा, ऐसा असे नहीं मनात निश्चय के लिए। तो देखो उसने क्या निश्चय किया कि उसको सीखे देना या तो कोट या तो सदरा सीखे देना, वो डिसाइड कर लिया था मन में। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। जायावर दौड़े होते, जायावर मतलब एम, पूरा कॉन्सेंट्रेट पैसा जमाने पे था और भाई को शर्त लेना है तो लेना है कैसे भी, कोट या तो मीन्स कोट या तो सदरा सीखे देना है तो देना ही है कैसे भी, वो उसका एम था, उसने वो डिसाइड कर लिया था, मतलब कर लिया था। अब रोज पैसा जमा कर रहा था रोज, और रोज सोच रहा था सिलाना है, उसको देना है, सीखे देना है तो देना है कैसे भी। तो उसको ध्यावर दौड़े होते मतलब उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट जो था वो उसके एम पर था, और उसका एम क्या था, उसके भाई को शर्त सीखे दे को सदरा या तो कोट सीखे देना तो देना। रोज पैसे मोजत होतो, मतलब रोज पैसा जो है वो जमा कर रहा था। गणेश चतुर्थी जवर येत चाली, मतलब थोड़ा थोड़ा जो गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है वो नजीक नजीक आ रहा था, अभी टाइम बीतेगा तो नजीक नजीक ही आएगा। मध जवर 1 रुपया 2 अन्य जमले होते, मतलब पूरा गणेश चतुर्थी तक 1 रुपया और 2 पैसे जम गए उसके। गौरी गणपति ला नवीन कपड़े करता, सज्जन क्या करते, गौरी जो गणपति होती उस वो टाइम पर सज्जन नए कपड़े खरीदते हैं। आपल्या गावातील मुलांना त्याचे आई बाबा नवीन कपड़े शिवतील, अभी जो उसके गांव के जो फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे हैं उनके जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए तो उनके मम्मी पापा कपड़े सी के देंगे उनको, क्योंकि उन लोग तो थोड़ा अमीर है। और परंतु माझे बाबा कौन सीवतील, पर मेरे जो भाई को वो कौन सीएगा, ऐसे बोल रहे हैं। माझे बाबा ला मी शिवून देईल, मतलब मेरे भाई को मैं सी के दूंगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। माझे बाबा मी शिवतील, मतलब मेरे भाई को मैं सी के दूंगा। मी शिंपी कड़े गेलो, मतलब मैं जो है वो शिंपी कड़े, शिंपी का मतलब टेलर, जो कपड़े सीता है उसको शिंपी बोलते हैं, कपड़े शिन्यारे उसको शिंपी बोलते हैं, समझ में आ गया, टेलर को शिंपी बोलते हैं। तो ये जो शाम है वो शिंपी कड़े गया, मतलब टेलर के पास गया कपड़ा सिलाने के लिए। माझे बाबाचा वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो, मतलब उसका भाई तो अभी गांव में रहता था क्योंकि वो छोटा था, और ये किधर रहता था, पढ़ने के लिए दापोली जाता था।
तो अभी उसके भाई को तो वो गांव से बुला के नहीं लेके जा सकता टेलर के पास मेजरमेंट लेने के लिए। तो उसके भाई की जो एज वाला लड़का था उसको वो लेके गया। उसका भाई समझो अभी 6 ईयर का है, 5 ईयर का है, तो वो अभी उतने ईयर का लड़के को लेके गया ताकि तो अभी हाइट थोड़ी तो सेम रहेगी ना अभी। तो वैसे वो मतलब उसके उतने उसके भाई को उतना लड़का वो लेके गया टेलर के पास। त्याचा आंगाचा कोट शिवन्यास मी सांगितले, मतलब उसकी आंग का उसके जो मेजरमेंट का कोट है वो सी के दो, ऐसे उसने बोला। दोन वार कापड़ घेतले, दोन वार मतलब 2 मीटर, 2 मीटर कपड़े ले लिया उसने, 2 मीटर कपड़े। अर्धे वार अस्तर घेतले, मतलब अंदर जो लगाते देखो अभी ऊपर से हम लोग पहनते उसके अंदर भी लगाते कॉटन का, उसे अस्तर बोलते हैं। तो आधा बार मतलब आधा मीटर अस्तर भी ले लिया। कोट तैयार झाला, कोट क्या हो गया, तैयार हो गया, रेडी हो गया कोट। जवड्याच्या पैशांना सारा खर्च जवड्याच्या पैशांना सारा खर्च भागला, मतलब जिसने जो जो पैसे जमा किए थे ना उसमें पूरा हो गया, बराबर से खर्च हो गया, ज्यादा नहीं पैसा, ना ज्यादा भी हुआ ना बच भी गया ना और लगा भी, बराबर हो गया खर्चा। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळ्यांना अश्रूंनी निहाले होते, जैसे उसने तैयार हुआ वो कोट हाथ में लिया तो उसके आंखों में से आंसू आ गए भाई के प्रति प्रेम के लिए, समझ रहे हो आप। घरी मी घरी जानियास निघालो, मतलब अभी वो गठरी वटरी जो बांधते है ना ऐसे, पहले जमाने में गठरी लेते थे बांध के निकल जाते थे, तो घर के लिए निकल गया गांव के लिए अपने भाई को देने के लिए। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होते ते म्हणाले, मतलब अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था देखो कि अभी दूसरे जगह रहते थे उन लोग किधर भी, तो उधर जहाँ रहता था उन्होंने क्या बोला उसको अभी, पावसा पानियाचा जाऊ नको, मतलब अभी बहुत अभी ये जो पाउस का जो पानी है ये जो बारिश के पानी में जा मत तू, नदी नाले ना पूरा ले सेल, मतलब पूरा फ्लड आ गया होगा बाहर, पूरी बाढ़ आ गई होगी बाहर, इसके लिए तू जा मत अभी, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं जिधर वो रहता था दापोलिस में। पिछले परियल सोंडेघर से परियल यांचा उतार न सेल, मतलब अभी जो पिसई मतलब उधर का जो नाला था उसका नाम था पिसई, जो नाले का नाम था पिसई, जब परिया मतलब ओड़ा मतलब नाला, नाला जो पूरा भी बहरा होगा भर भर के, तो अभी तू जा मत, ऐसा उन लोग ने बोल रहे हैं। आमचे ए आइक, आमचे आइक मतलब मराठी में हमारी सुन, हमारी तू सुन, अभी बाहर मत जा, पूरा फ्लड आ गया होगा, पूरा भर भर के नाले बहरे होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। मी कोन्याचे ऐकले नाही, मतलब मैं किसी की नहीं सुना। हद्यात प्रेम प्रेमपूर आला होता, मतलब उसके मन में एकदम पूरा प्रेम आ गया था भाई के प्रति, तो नदी नाल्यांस थोड़ी वीग घालनार, मतलब वो नदी नालों से थोड़ी रुकने वाला था, अभी उसके मन में तो प्रेम आ गया था भाई के प्रति। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, वो जो नवा कोट था उसको बांध के लेकर चल गया वो। पंख असते तर एकदम उड़न गेला अस्तो, वो ऐसा सोच रहा था कि अगर मेरे को पंख होते तो मैं कितना फास्ट चला जाता। चलने से श्रम वाटत नव्हते, उसको जो चलने का जो मेहनत था वो भी नहीं लगता। सुख स्वप्नात दंग अस्तो, मतलब वो ऐसा सोच मतलब वो खुद के विचारों में ही दंग था, मतलब वो सोच रहा था और वो मतलब गुम था अपने विचारों में ही। आईला किती आनंद होईल, आई को कितनी खुशी होगी, या कल्पनेत मी होतो, अभी हमारे कवि बोल रहे हैं मतलब शाम ही वैसे कल्पनेत मतलब ऐसे सोच रहा था कि वो आई को कितनी खुशी होगी जब मैं ये कोट लेके जाऊंगा, ऐसे वो विचार में था। एक नाने टी माझ्या पाया जवड उड़ी मारून गेली, नाने टी ऐसे नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे, नानेटी मतलब एक साप के जैसा ही होता है उसको नानेटी बोलते हैं, एक साप के जैसा ही होता है पर साप नहीं मतलब साप के प्रकार का होता है। टीचा हिरवा रंग अस्तो, उसका कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है और वो सांप जैसा ही होता है, सांप के प्रकार। नानेटी उड़िया मारा जाते मला
जरा भीती वाटली, मतलब उसके जैसे पैर से नाने दी उड़ी मार के गई तो उसको जरा डर लगा, भीती वाटली मतलब डर लगना। जपून चालो लागले, मतलब वो थोड़ा थोड़ा अभी क्या करने लगा, हल्का 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 अलर्ट में चलने लगा, धीरे 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 सोचते सोचते संभलते संभलते चलने लगा। पिसई से भरिया दुटड़ी भरून वहां थोटा, उधर का जो नाला था पिसई का वो पूरा भर के बह रहा था। त्याचा पानीला ओर फार, मतलब उसके जो पानी का था वो बहुत, जो उसके नाले का जो पानी था वो एकदम ओर फार, मतलब उसको एकदम बहुत फोर्स था। काय करिया छे, अभी कर क्या सकते थे। आई ची नाव घेतले व शिरलो पाण्यात, आई का नाम लिया और आगे पानी में बढ़ते गया। हाथ तक काठी होती, हाथ के अंदर एक लकड़ी लिया था, काठी मतलब लकड़ी, पूरे पूरे टाकी व मग पाउस टाकव्याचे, मतलब पहले ऐसे काटी जो थी उसकी जो लकड़ी वो पहले आगे रखता था, फिर चेक करता था कि कुछ पत्थर वत्थर तो नहीं है, फिर वो आगे जाता था। मी वाहुन जानियाचा बेताब थोटा, मतलब अभी घर को जाने के लिए वो बेताब था ऐसा बोले, परंतु कसा बसा बाहर आलो, कैसे भी वो बाहर आ गया। इतर नदी नाले ना प्रेमान ने बेटव्यास जानार तो नालान, मतलब इतनी, मतलब अभी देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। अभी जो नदी है वो नाले से मिलने के लिए इतना प्रेम से जा रही है, जो नाले और नदी जो मिलने के लिए प्रेम से जा रहे हैं दोनों, तो तू मला कसा बुड़तील, उन लोग इतना प्रेम है उनके बीच में, उन लोग अभी जो नाला है वो नदी से मिलने जा रहा है प्रेम से, वैसे मैं भी मेरे भाई से मिलने जा रहा हूँ, सब अपने अपने रास्ते जा रहे, तो वो भला मुझे क्यों डुबाएगा, ऐसा वो बोल रहा है, क्यों मुझे चोट पहुंचेगा। मैं माझे भावास बेटवाचाच जात असतो, मतलब मैं मेरे भाई को मिलने जा रहा हूँ तो अभी मेरे को क्यों वो करेगा कुछ। त्यात नाल्या इतक्याच उत्सुक हो, तो वो नाला जो है नदी से मिलने के लिए इतना उत्सुक है, मतलब इतना एक्साइटेड है, करित होता, मतलब इतना फास्ट फास्ट उधर जा रहा है मिलने के लिए। क्या नाल्या प्रेमान ने मिही हद्य भरून देऊन जात होता, मतलब वो अपने रास्ते जा रहा है, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। नाले को प्रेम है नदी से मिलने के लिए, मुझे प्रेम है मेरे भाई से मिलने के लिए, ऐसा बोल रहा है, मतलब शाम ऐसा बोल रहा है। तो फ्रेंड्स पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकेंड पार्ट यहाँ से करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल अब्दुल रेडी केयर को, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें।